इस वक्त मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में हूं और ये राम की पैड़ी है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और देशहित का ये स्पेशल बुलेटिन हम आपको सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूर्व संध्या पर अयोध्या तो राममय है ही, लेकिन पूरा देश आज राममय हो चुका है। इस अयोध्या में आप जिस गली में जाएंगे चारों तरफ राम की धुन सुनाई देगी। इसके अलावा जगह जगह पूरी अयोध्या को एक रंग में सजा दिया गया है। अयोध्या माला फूलों से पट गई है, तमाम झंडे भगवा रंग के लगा दिए गए हैं, क्योंकि रामलला की अपने गर्भगृह में वापसी होने वाली है। और आज मात्र अब कुछ घंटों का वक्त बचा हुआ है, देश भर से वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी अयोध्या जारी है। और इसके साथ ही यहां पर बहुत सारी ऐसी तैयारियां की गई हैं जिसको लेकर आज हमने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है कि कल क्या होने वाला है, कैसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बजे पहुंचेंगे और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे भव्य मंदिरों में रामलला का ये मंदिर जितना दिव्य है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी उतना ही दिव्य और भव्य होने वाला है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है, बड़ी संख्या में मेहमान अयोध्या में पहुंच चुके हैं। अयोध्या समेत पूरा देश और जहां जहां भी राम भक्त रहते हैं वो क्षेत्र राम में ही नजर आ रहा है। राम भक्तों के लिए इंतजार का एक एक क्षण काटना मुश्किल है, क्योंकि सदियों की प्रतीक्षा के बाद अब कुछ ही घंटों बाद प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन अयोध्या में क्या है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, हम आपको एक एक करके दिखाते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा के पहले छठवें दिन का अनुष्ठान खत्म होगा और कल सुबह 8 बजे से ही प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी शुरू हो जाएगी। अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से होगी। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना के साक्षी बनेंगे। इसके बाद विशेष पूजा की जाएगी। दोपहर 12:39 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए अब हम आपको वो मंच दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया जा रहा है। श्री राम मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 14 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। इस मंच को भगवा रंग से सजाया गया है। मंच के इस वीडियो में आप देख सकते हैं सुंदर फूलों से इस मंच की सज्जा की जा रही है। ये मंच मंदिर के चबूतरे पर बनाया गया है। शुभ घड़ी आने वाली है और कुछ ही समय शेष रह गए हैं अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर मंदिर परिसर में 40 फीट ऊंचा मंच तैयार किया गया है। इसके साथ ही 10x12 का मंच भगवा रंग में तैयार हो चुका है। जो भी मेहमान आएंगे उनको बैठने के लिए परकोटे के पास का इंतजाम किया गया है। वहां पर आए हुए मेहमानों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं और अब तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री किस मंच पर बैठेंगे वो आपने देख लिया, लेकिन इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आ रहे वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के बैठने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। सभी वीवीआईपी मेहमानों को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर मेहमानों के लिए बैटरी कार और व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाएगी। इस दौरान सुरक्षा इतनी अभेद्य होगी कि बगैर पास के कोई भी मंदिर परिसर में मौजूद नहीं रह सकेगा। इधर से जाते टाइम पूरा उनका स्वागत किया जाएगा, उनके ऊपर फूलों का वर्षाव किया जाएगा और इस तरीके से अंदर जाके उनको सबको दर्शन देंगे। दर्शन देने के बाद में बाजू में जो यात्री स्वागत केंद्र बना हुआ है, जो श्रीधर फैब्रिकेशन कंपनी ने बनाया, हालांकि हमने बनाया, उसके अंदर उनको थोड़ा सा टाइम गुजारने को उनको टाइम मिलेगा। उधर उनका स्वागत किया जाएगा और फिर वो शाम तक वो रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जिन स्थानों पर जाने वाले हैं वहां भी सुरक्षा व्यवस्था की रिहर्सल की गई। प्रधानमंत्री सरयू नदी पर भी जा सकते हैं। पूरी अयोध्या के साथ सरयू नदी पर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। सरयू के घाटों को खास तरीके से सजाया गया है, तैयार किया गया है। हम इस समय सरयू घाट पर मौजूद हैं, जहां पर साफ सफाई की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। सारे घाट की सीढ़ियां चमचमा रही हैं, गंदगी का कहीं नामो निशान नहीं है। एनडीआरएफ की टीमें सुरक्षा के लिए, कई जल टीमें लगाई गई हैं जो लगातार इस पेट्रोलिंग में जुटी हुई हैं और बीच में ये आप देख रहे हैं एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। चलिए अब आपको प्राण प्रतिष्ठा से पहले किले में तब्दील हुई अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों की लिस्ट में प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े बड़े वीवीआईपी शामिल हैं। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा के लिए 13,000 जवानों को तैनात किया गया है। पूरी अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। इस दौरान एआई सीसीटीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अयोध्या में सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल होगा।
इस दौरान अयोध्या में जिन गाड़ियों को परमिशन दी जाएगी वही सड़कों पर दिखाई देंगी। क्योंकि हमारे 15 पूरा का पूरा जोन और सेक्टर्स में हमारे बता हुआ है, डिफरेंट एरियाज में हमने अलग अलग कर दिए हैं, जो कुछ स्टैटिक हमारी जोन्स भी हैं वो सब कुल मिलाकर के हर संवेदनशील क्षेत्र में हमारे लोग तैनात हैं और हम लोग लगातार भ्रमण करके सुनिश्चित करा रहे हैं कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था रहे और उसके लिए जो ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं मीडिया से है, पब्लिक से, सबके लिए उसको हम इन्फोर्स भी कराएंगे।